अरे जितेंद्र भैया, और कितना सजोगे? इतने में डर गई? एक तो इतना लेट आए हो, ऊपर से डरा भी रहे हो। अरे शहर में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। अब जल्दी से राखी बांध दे। लेकिन रश्मि, गंगापुर पर जो श्राप है उसका क्या? इस गांव में कोई भी रक्षाबंधन की खुशी नहीं मना पाएगा। सब माता मनाएंगे, माता। सैकड़ों साल पुराने अंधविश्वास बात को आप अभी भी मान रहे हो क्या? भैया कुछ नहीं होगा। कहाँ चला गया भैया? चलो यहाँ से। दीपक फाइनली तू आई गया। हाय। कम ऑन विवेक, मेरे दोस्त की सगाई और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे यार तेरी सगाई और हवेली पे कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं? सगाई परसों है, रक्षाबंधन के बाद। और सगाई वैसे भी बैंकेट हॉल में करने का फैशन बन चुका है। हाय दिव्या। हाय। कांग्रेट्स। थैंक यू। हाय अक्षिता। हाय। अंदर चले, नहीं तो भाई को सर्दी लग जाएगी। हाँ यार बहुत सर्दी लग रही है। अरे वाह, देख तेरी बहन ना इतना केयर करती तेरा, और एक ये इसे अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हो चलो अंदर चलो, चलते चलो। तुम लोगों को यहाँ देखकर दिल खुश हो गया मेरा। बिल्कुल दिव्या, आओ। दिव्या ये तुम्हारा रूम, फ्रेश हो जाओ, फिर मम्मी पापा से मिलवाता हूँ। और दीपक तू, तुझे भी तेरा रूम दिखाता हूँ, आ जा। ठीक है चल। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे बुलाना। ओके ओके।
हाँ मॉम, हाँ हम ठीक से पहुंच गए ना? ऑब्वियसली माँ, हम दिवाली सेलिब्रेट करना भूल जाएंगे पर रक्षाबंधन नहीं। हाँ लाइयो ना, भाई को ना बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बहुत प्यारी है। माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लाई हो राखी यहाँ पर क्यों? तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कल रक्षाबंधन है ना, इसीलिए लाई थी मैं राखियाँ। प्लीज भी राखी वापस कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ दादी, ये हमारे मेहमान हैं, अभी अभी जयपुर से आए। समझाओ इनको हमारे यहाँ रक्षाबंधन कितना बड़ा श्राप है। और ये राखी ले आई है। शहर में पढ़ लिख कर तू भी भूल गया इस गांव पे लगे श्राप को। इसको नष्ट करना होगा, अभी कभी नष्ट करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। दादी साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। दादी विवेक, क्या है ये सब? 150 साल से इस गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया गया। बताते हैं कि किसी भानुमती नाम की प्रेत आत्मा का श्राप इस गांव में। इस गांव में कोई भी रक्षाबंधन की खुशी नहीं मना पाएगा, सब बातें मनाएंगे बातें। तुम इन सब बातों पे यकीन करो? मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे भाई इनकी बिलीव के रेस्पेक्ट करता। अब यार कहानियां यूं ही नहीं बनती, उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। भैया आप अक्षता से मिलने जा रहे थे ना? हाँ वो दिव्या, एक्चुअली मैं उससे अकेले मिलना चाह रहा था। वो क्या है ना कि कल रक्षाबंधन है और परसों विवेक की सगाई, तो उसके बाद तो मिल नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो आज आखिरी बार मिल लीजिए आप। भैया ये तुम क्या कह रही हो? आपको मुझे भरोसा नहीं है? भरोसा है, खुद से ज्यादा भरोसा है। लेकिन तो बस मान लीजिए कि वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली और अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम
अपनी बहन की ही सुनोगे, है ना? समझते क्या है वो अपने आप को? अक्षिता, वो मेरी बहन है, और वैसे भी उसकी खुशी को नजरअंदाज करके मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। I'm sorry, but it's over between us. You know what? बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारी बहन। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया दीपा। देखो बेटा, गंगापुर गांव में तकरीबन 150 साल पुराना शराब पी। यहां पर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। जब तुम अपने घर जयपुर जाओगे तो वहां पर ये राखी का त्योहार मना लेना, लेकिन यहां नहीं। I can't believe this, कि आप लोग इस अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। राखी तो रक्षा का बंधन होता है जो एक बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है। नहीं, यहाँ पे राखी नहीं बांधी जाती। अक्षिता भी अपने भाई को राखी नहीं बांधती, क्योंकि उसे पता है ऐसे करने से उसके भाई के ऊपर खतरा आ सकता है, उसकी और उसके भाई की जान जा सकती है। Come on, aunty. हम इन कलाई में एक धागा बांधने से क्या बुरा हो जाएगा? I don't believe in this. बेटा, आज से 10 साल पहले तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा एक भाई आया था इस गांव में, उसने भी अपनी बहन से राखी बंधवा ली थी। तो उसके बाद भाई और बहन के शरीर पर सैकड़ों पिछुओं के डंकों के निशान थे। उस प्रेतात्मा ने उन्हें, सॉरी अंकल, लेकिन मैं ये भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। अरे ओ छोरे, तुम नहीं मानते हो तो अपने घर पे जा सकते हो, हमारे यहाँ तो वही होगा जो हम मानते हैं। दादी साहब, आप भी ना। तू चुप कर, ये भानुमती के प्रकोप को जानता नहीं है। मैं इसे आगाह कर रही हूँ, हमारे यहाँ राखी नहीं बांधी जाएगी, मतलब नहीं बांधी जाएगी। मैं भैया को समझाती हूँ। भैया, ये सब लोग, दिव्या, I can't believe this, कि तुम इन लोगों की बातों पर विश्वास कर रही हो। I mean, भानुमती का प्रकोप, रक्षाबंधन का श्राप, what nonsense. I know, भैया, पर हम इन लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन दिव्या, तुम सही कह रही हो दिव्या। I'm sorry, अक्षिता। मैं नहीं, दिव्या, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने जो कहा वो सही तो कहा। हमारी सोच की वजह से तुम्हें तुम्हारी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मेरे परिवार के अंधविश्वास के कारण मैंने अपने भाई को कभी राखी नहीं बांधी, पर तुम तो बांध सकती हो ना। सोच क्या रही हो दिव्या, बांधो ना। अब देखते हैं कि रक्षाबंधन का श्राप दीपक को लगता है कि नहीं। एंड आई डोंट केयर अगर उस दिव्या को भी लगे तो, उसी के कहने पर दीपक ने मुझे छोड़ दिया।
भगवान, हमारी रक्षा करना। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? भानुमती आ गई, उसने चंदन को मार दिया। क्या कह रही हो? मैं देखता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे, वो तुझे भी मार डालेंगे। लेकिन पर माँ, वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसका श्राप तो अभी टूटा भी नहीं। ये कैसे हुआ? ये देखो, इसने राखी बंधवाई है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मना किया था ना कि राखी नहीं बनवानी, फिर भी तुमने राखी बांधी। हमारे घर में इसने राखी बंधवाई है। भानुमती हम सबको मार डालेगी, उसका श्राप हम सबको लगेगा, सबको। ये आप सब लोग कैसे वहम में फंसे हुए? रक्षाबंधन श्राप कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। रक्षाबंधन वाले दिन ही उसने राजा विक्रमजीत को मारा था। आज वो तुम्हारी वजह से फिर वापस आ गई है। आते ही उसने चंदन को मार दिया। लाश उसकी बाहर पड़ी है। लाश? कहाँ है लाश? मैं अभी देख के आता हूँ। कहाँ है लाश? वो देखो। बताइए कहाँ है लाश? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। कहाँ चला गया? यहीं पे तो था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब रुदाली के बिच्छू ने खा लिया उसे। रुदाली? हाँ, भानुमती रुदाली है। उम्र पर प्रेत आत्मा बन गई है। दादी जी, मेरी बात सुनिए। अगर कोई प्रेत है तो वो मुझे मारना चाहेगी ना, क्योंकि राखी मेरे हाथ में बंधी हुई है। तो फिर बताइए कहाँ है भानुमति? कहाँ है? वो वापिस आएगी। वो पूर्णिमा के ढलने का इंतजार कर रही है। श्रावण के पूर्णिमा का अस्त होते ही उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। आज की रात ढलने के बाद दुनिया की कोई ताकत भी उसे नहीं रोक पाएगी। कोई ताकत नहीं। और ये सब आपको कैसे पता है? क्योंकि आज के 10 साल पहले मैंने पुरोहित जी की मदद से उसे कैद किया था। इसका मतलब हमें पुरोहित जी को फोन करना चाहिए। पुरोहित जी नमस्कार। पुरोहित जी, मैं विजय सिंह बात कर रहा हूँ। लगता है भानुमती की प्रेत आत्मा वापस आ गई है। जी ठीक है। रोहित जी पूजा के सिलसिले में किसी दूसरे गांव गए हैं, तो उनको आने में देर हो जाएगी। मैं कहता हूँ हमें तो इन दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए, शायद हम श्राप से बच जाएं। ठीक है अंकल जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों की वजह से आपके घर पे परेशानी आ गई है तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। ताजी आप हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भव, ये मेहमान है हमारे, तू कहीं नहीं जाएगा। इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने इन्हें पनाह दी है और हम सब उसकी नजरों में शापित हैं। हमारे घर में सब कुछ हुआ है, वो आत्मा हमें छोड़ेगी नहीं। अब तो पुरोहित जी हमें बचा सकेंगे, लेकिन उन्हें आते हुए बहुत रात हो जाएगी। ये श्रावण पूर्णिमा की रात पता नहीं कैसे कटेगी, कैसे कटेगी। चलो चलो सब अंदर चलो चलो। अंदर चलो, प्लीज अंदर चलो। राखी बांधने से यही सब होगा, ये अक्षता को बात पता थी ना?
तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि दिव्या वो भी मेरी तरह इस समय बिलीव नहीं करती। दीपक, दीपक, विवेक भाई अपने रूम में नहीं, वो कहीं मुझे मिल भी नहीं रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। काम करो, तुम इसी कमरे में रहना, कहीं मत जाना। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता था ना कि राखी बांधने से ये सब होगा, तो तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? नहीं तो मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पिताजी को ढूंढ रहा था, वो अपने रूम में नहीं है। क्या? चल मिलकर ढूंढते। हाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है? पंडित जी का नंबर भी डायल नहीं हो रहा है। ये पिताजी की आवाज है, तू यहां देख, मैं यहां देखता हूं। ठीक है। पिताजी, पिताजी, कल जी अभी यहाँ हिलना मत, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? अंकल जी आपके पीछे। अंकल जी छोड़ दो, नहीं छोड़ दो ने। अंकल जी ने उनको मार दिया। उस प्रेत आत्मा ने मेरे सामने विजय अंकल जी को मार दिया। और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से। हिम्मत रखो, वो इस पूजा वाले कमरे में नहीं आ पाएगी, लेकिन बाहर जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है। भगवान से प्रार्थना करो कि पुरोहित जी जल्दी आ जाए, नहीं तो भानुमति हम सबको मार डालेगी। कौन है भानुमति?
और वो हम सबको क्यों मारना चाहती? भानुमती रुदाली थी जो पैसे लेकर दूसरों के मातम में रोने जाया करती थी। 150 साल पहले वो हमारे पूर्वज महाराजा विक्रमजीत के दरबार में आई थी। उसने रक्षाबंधन था। हमारे हुकुम विक्रमजीत सिंह जी को भानुमती का प्रणाम। तो फिर आ गई? हाँ, मैं फिर आ ली। पिछली बार तो तुमने मुझे भरी सभा में बेइज्जत करके निकाला था। बहुत अपमान किया था तूने हमारा। ये अपमान तो तोड़े किया था हमारे भाई का। तभी तो आज मान बढ़ाने आई हूँ बहन बनने। रुदाली है तू, तुम महाराज को छूने के लायक भी नहीं है। रुदाली हूँ जिसे किसी के मरने पे मातम पे बुलाया जाता है, लेकिन खुश होने का हक है मारे को। थारी इतनी जुर्रत। बस तुम राखी बांधना चाहती हो, ठीक है, बांध दो राखी। ना भाई साहब, आप इस पे विश्वास मत कीजिए, ये बहुत ही झूठी औरत है। अच्छाई से ही तो बुराई मिटती है बहना। आओ भानुमती, लेकिन उसके बाद तुम रुदाली बन के नहीं रह सकती। जैसे आपकी आज्ञा। बदला ले लिया, अब रुदाली आई है तो मातम तो मना के जाएगी ना। अरे राजा मर गया, अब गंगापुर कौन संभालेगा? राजकुमारी रत्ना हमसे हमारा बहन होने का हक छीन रही थी ना, हमने उनसे उनका भाई छीन लिया। सैनिक, इसे 1000 बिच्छुओं के कुंड में फेंक दो और इस राखी के साथ। मैं वापस आऊंगी, रुदाली हूँ मैं, रुदाली। जब भी कोई राखी बनवाएगा मैं वापस आऊंगी। इस गांव में रक्षाबंधन की खुशियां कोई नहीं मना पाएगा, सब मातम मनाएंगे, मातम। जब भी कोई राखी बनवाएगा ये रुदाली मातम मनाने जरूर आएगी। उसके बाद दुर्गापुर में रक्षाबंधन एक श्राप बन गया। अगर तुमने राखी नहीं बनवाई होती तो दिव्या, दिव्या! नहीं! उन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब तो पुरोहित के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। ये कमरा सुरक्षित है, यहाँ पूजा पाठ हवन होता है। लेकिन मेरी बहन बाहर, और जब तक उसका भाई जिंदा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक प्रेत आत्मा भी नहीं। रुक जा बेटा, रुक जा। अक्षिता, अक्षिता ही बाहर है, मुझे उसे बचाना है। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा, तू हमारे खानदान का इकलौता चिराग है। तू मत जा बेटा, मत जा। नहीं दादी साहब, मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, जब तक पुरोहित जी यहाँ नहीं आते तू कहीं नहीं जाएगा। कहीं तेरे पिताजी की तरह तू भी नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तक आप लोगों ने मुझे राखी नहीं बंधवाने दी,
आज जब मुझे मेरी बहन की रक्षा करने का कर्तव्य निभाना है तो भी आप मुझे रोक रही हैं। अक्षता तुम प्लीज रो मत, ये सब मेरी वजह से हो रहा पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। दिव्या दिव्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। I'm sorry। तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक हो ना? हाँ भैया। चलो मेरे साथ। हाँ, अक्षता तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, सिर्फ तुम चलो। 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 कौन है तुम दोनों? मैं दिव्या और ये मेरा भाई दीपक। हम बस जा ही रहे थे। चलो दिव्या। दिव्या, दीपक, अक्षता, तुम यहाँ? अक्षता, दिव्या कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हमने उसमें प्रेत आत्मा को देख लिया था। आओ मेरे साथ। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? उस प्रेत आत्मा ने आपका रूप ले लिया था, मुझे लगा उन्होंने आपको मार दिया। दिव्या रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब पुरोहित जी आ गए हैं ना, हम उस प्रेत आत्मा को मार देंगे। वो मर नहीं सकती, वो प्रेत आत्मा श्रापित है। लीलावती शाखा है, राखी तुमने बंधवाई थी और अब अपनी बहन की जान बचाना चाहते हो। राखी बंधवाकर तुमने अपनी बहन की जान खतरे में डाल दी। भानुमति उसे मारना चाहती है ताकि उसकी प्रेतात्मा को शक्ति मिले।
बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भूल उसकी नहीं, भूल मेरी है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से हमारे परिवार पे भी रक्षाबंधन का श्राप लग जाएगा। मैं तो इनसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने इन दोनों को राखी बनवाने के लिए उकसाया। माँ, माँ, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से पापा की मौत हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। I'm sorry, Ma. जो बीत गया उस पर पछताने का भी समय नहीं है। पूर्णिमा की रात अगर टल गई ना तो भानुमति को रोक पाना असंभव होगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, उस बहन को बिल्कुल नहीं जिसने राखी बांधी थी। दिव्या को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उसे बचाने के लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। तुम्हें उसका सामना करना होगा। मैं तैयार हूं। नहीं भैया, नहीं, चाहे मैं मर जाऊं पर आप ये नहीं करोगे, प्लीज। दिव्या, तू मेरी बहन है और तेरी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दे बहन। बताइए पुरोहित जी, क्या करना होगा? लीलावती साह, कलावाल आइए। लीजिए। तुम्हें इस धागे से उसे बांधना होगा। इस धागे से हम उस प्रेत आत्मा को बांध पाएंगे? रक्षा बंधन के धागे जैसा ही पवित्र है ये धागा। इसमें सैकड़ों देवी देवताओं की शक्ति समाई हुई है। हम यहां मंत्र का जाप करेंगे और आपको उसे इस धागे से बांधना होगा। भैया प्लीज, मत चाहिए। तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। लीलावती सा। हाँ पुरोहित, मैं जानती हूं आगे क्या करना है। दुर्विता नाम से सानाम बलहान कैमरम रक्षो भूत ख्याता नाम पटना देवनाथनम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा जय नमस्ते जयतम देवी चामुंडी जय भूतार्थानी जय सरस्वती देवी नारायणी नमस्ते। दुर्विता नाम से सानाम बलहान कैमरम रक्षो भूत ख्याता नाम पटना। भैया हमें इसे मिलकर बांधना होगा। भैया
विवेक जिया जी के प्यार में तू भूल गई ना? क्या भूल गई? यह रक्षाबंधन है, इसलिए मैं ही आ गया।